नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। दिल्ली संगरूर रोड पर ढाबे पर खड़े तेल से भरे दो टैंकरों को लगी आग, दोनों जलकर हुए राख। जंडियाला गुरु पुलिस ने मोबाइल टावर्स की बैटरियां चोरी करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को किया काबू। 20 बड़ी बैटरियां, एक कार, कटर मशीन, चाबियां व 13,000 हथियार किए बरामद। प्रसिद्ध कॉमेडी कलाकार और अदाकार कपिल शर्मा अपनी टीम सहित पहुंचे अमृतसर। सचखंड श्री दरबार साहिब में हुए नतमस्तक। और अब हलचल विस्तार से। तेल से भरे टैंकरों को ढाबे के बाहर खड़ा कर ड्राइवर आम तौर पर अपने घर या ढाबे में सोने के लिए चले जाते हैं, जिससे कई बार हादसे हो जाते हैं। एक ताज़ा मामले में दिल्ली संगरूर रोड पर खेतला के नज़दीक सरदार ढाबे पर तेल से भरे आधा दर्जन टैंकरों में से दो टैंकरों को अचानक आग लग गई। सुनाम संगरूर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस बड़े अग्नि हादसे में जानी नुकसान से बचाव रहा। फायर कर्मचारी और पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि इन टैंकरों के साथ कई टैंकर और भी खड़े थे और कई गाड़ियां भी खड़ी थी, जिसको लोगों के तुरंत प्रयास के चलते बचा लिया गया। वहीं आग की इस बड़ी घटना से इलाके के लोग दहशत में हैं। उनका कहना है कि घटना बहुत बड़ी थी, कुछ भी हो सकता था। फिलहाल आगे के कारणों की जांच जारी है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। दो टैंकरों में ज्यादा अग लगी सी जी, उन्हें ते आके फायर ब्रिगेड वाले ने काबू पा लिया जी। मौके से पहला मतलब जेडे नेड़े थे वो सारे कट ले ड्राइवरों ने। इधर उधर किन्ने तेल वाले टैंक खड़े सी जी? टैंक तो बहुत खड़े सी, 8-10 टैंक खड़े सी इत्थे जी ढाबे ते। अग लग रही सी, फायर ब्रिगेड वाले नूं बुलाया, आ गए अद्धे घंटे दे विच। जानी बचा हो गया, कोई नुकसान नहीं होया है। मतलब जो चलो गड्डियां दो हो गया, बाकी गड्डियां भी बचत रहेगी। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾਰਮਲ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਖੰਭਾ ਵੀ ਸੀ ਨੇੜੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਉਰੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਹਾਲੇ ਉਰੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਦੋ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਰ ਦੋ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। जंडियाला गुरु की पुलिस ने मोबाइल टावर्स की बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस संबंधी SHO मुख्तियार सिंह ने बताया कि हल्का जंडियाला गुरु में बैटरी चोरी करने वाला गिरोह वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इस गिरोह को पकड़ने के लिए सुबह तड़कसार दाना मंडी जंडियाला गुरु के बाहर नाकाबंदी कर दी गई। इस नाकाबंदी के दौरान गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने काबू करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 20 बड़ी बैटरियां, एक कार, कटर मशीन, चाबियों सहित 13,000 हथियार बरामद हुई हैं। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। सवेरे 4 बजे सानू इन्फॉर्मेशन मिली, 6 बंदे का गैंग है, ये लुटापा ते प्लस जिहड़े टावर ने बड़े उन्हां दे बैटरी ला के जां इन्हां दे ट्रांसफार्मर दे बैटरी ला के गैंग जिहड़ा काफी देर तों हरकत है।
इन्हों ने बीती रात की रात 1:30 बजे पंडोरी गोला तरन तारण पिंड चा उत्थों इन्होंने बैटरी चोरी की टावर से इतों क्रॉस कर रहे थे डैला चो तो इतने सू इनफॉर्मेशन के आधार पर एक गड्डी को रोकया स्टीम कार आ सू कुछ बैटरी उस बरामद हुई तो इन्हों की पुछगिछ करके बचित्र सिंह सबका सरपंच है बालिया मंझपुर वो घर तो रिकवरी की बाकी है। तो यह 7 बंद के खिलाफ इस गैंग के खिलाफ परचा दर्ज किया गया। जो इन पिछोकड़ देखा गया तो काफ़ी परचे अजिहे पहला भी इन्हें दर्ज से दो तीन थाणियों चो इन दो तीन बंदे भगौड़े भी से तो असं इन्हों गिरफ़्तार करके बरामदगी कर ली है। ये भी वे टावर के टावर के जोड़े है मोबाइल टावर अलग अलग कंपनियां उन्होंने भी बैटरी बरामद हो चुकी है। स्टीम कार है कटर काफ़ी यह साजो समान जिद बैटरी लुटते से बरामद हो चुके। प्रसिद्ध कॉमेडी कलाकार और अदाकार कपिल शर्मा और उनकी टीम अपनी आगामी नई फिल्म के प्रचार के लिए पंजाब के दौरे पर हैं। कपिल शर्मा और उनकी टीम ने अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेक गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पूरी टीम अमृतसर आई है क्योंकि वे नई फिल्म के प्रचार के सिलसिले में पंजाब के दौरे पर थे। अमृतसर निवासी होने के नाते पूरी टीम सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने आई है। कपिल कहते हैं कि हम इस जगह पर किसी तरह का प्रचार करने नहीं पहुंचे हैं बल्कि हर बार की तरह हम दुआ करने पहुंचे हैं, जिसके चलते आज भी टीम अमृतसर आती है और प्राथमिकता श्री हरिमंदिर साहिब जाने की ही होती है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी, पिक्चर दी प्रमोशन दी अरदास कुछ नहीं, बस असी निकले ही हुए थे पंजाब प्रमोशन वास्ते ऑलरेडी। सो साडे डायरेक्टर मैम नाल ने और शहाना मेरी को एक्टर जी फस्ट टाइम मेरे आए हैं गोल्डन टैंपल। सो बीइंग ए प्राउड अमृतसरी होने के नाते मैं मेरे शहर आए हैं। सो अरदास से असी हमेशा जो आईदा अमृतसर कर गुरु घर आईदा ही आईदा। सो ऐसा फिल्म की प्रमोशन कर नहीं आए, ऑल थैंक्स टू माई डायरैक्टर जिन्होंने मैं अपॉर्चुनिटी दी। सो वो भी ठप्पा सोहना वा, कोई माड़ा नहीं है हादसे कलाकार वाला भी, पर हाँ जी एक एक्टर नू अच्छा ही लगता भाजी नवे नवे काम कर मिलन नवे नवे भाजी किनू वधिया नहीं लगेगा नंदिता मैम ना काम करके। सो बड़ा बड़ा कुछ सीखन नू मिलिया। देश में लगातार दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। गत दिनों भी केंद्र सरकार की ओर से घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिस कारण लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसी के तहत नाभा में अकाली दल स्वतंत्र के राष्ट्रीय प्रधान परमजीत सिंह सहोली की अगुवाई में गैस सिलेंडरों के दामों में हुई वृद्धि के खिलाफ केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और विरोधी पार्टियां आंख बंद कर बैठी हुई हैं और लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। केंद्र सरकार के सिर पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिस कारण वे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। अमृतसर की लॉरेंस रोड पर नेहरू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कांग्रेस सरकार के नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बस्सी की ओर से अलॉट किए गए वीरका बूथ को नगर सुधार ट्रस्ट की ओर से हटाया गया। इस मौके पर नगर सुधार ट्रस्ट के कर्मचारियों ने वीरका बूथ का सारा सामान निकालकर सड़क पर रख दिया। इस दौरान बूथ के मालिक ने कहा कि ट्रस्ट के कर्मचारियों ने बिना नोटिस के ही सारा सामान बाहर निकाल लिया है और बूथ को तोड़ना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बूथ का माननीय अदालत में स्टे चल रहा है, पर ट्रस्ट के अधिकारियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। वहीं जब इस संबंध में अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की ओर से बूथ के मालिक को बूथ खाली करने का 15 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था, पर बूथ के मालिक ने इसकी कोई परवाह नहीं की और बूथ के मालिक के परिवार ने सरकारी अधिकारियों के साथ बहसबाजी भी की। तो वहीं इस सारी घटना के बाद ट्रस्ट अधिकारियों ने सारा सामान वापस कर दिया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नाम शेखर है ना, तो एक मिनट भी नहीं हुआ अभी आते ही एकदम से बोलने लग गए कि अपना दुकान खाली करो ना, अपना उन्होंने मेरी सुनी ना कुछ भी, और साथ ही अपना बोलते मैं बोला गवर्नमेंट के
पेपर निकालने रहो या कुछ भी बोलते, कैश काउंटर कैश निकाल लो और बाकी सारा कुछ सामान लेके जाना है, तो दुकान खाली करने का ऑर्डर है बस। अच्छा, कितनी देर से यहाँ पे ये चला रहे हैं हम? ये हम आपको दो साल कुछ हो गए हैं, तो पहले नहीं कोई एक्शन लिया, तो अब जाके अपना एक्शन लिया जा रहा है। आपने जब ये खोखा बनाया था यहाँ पर किसकी परमिशन दी? प्लीज सर बाद में सर ये बताओ, बताओ सही किसकी परमिशन? सर ट्रस्ट की तरफ से ही परमिशन है, ट्रस्ट के अलॉटमेंट लेटर है, सब कुछ है। किसने ट्रस्ट की तरफ से कब फोन था सर वो नहीं बता सकते सर? क्यों नहीं बता सकते? ये फिर नाजायज कब्जा मानेंगे हम? नाजायज कब्जा फिर बताओ ना खुल के। बताइए ना कि क्या अलॉटमेंट हुई थी वो कैंसिल नहीं किसने की थी अलॉटमेंट सर? अपना वो मेरे को अपना इतना पता नहीं है, मैं अपना आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। किराया भरते थे आप? किराया भरते कितना था किराया? अपना मैं सब बता देता हूँ। दो पारी किराया तो पता ही होगा ना कितना? दो चार ये मसला जी साढ़े कोई सौ आर्डर ने एक नजायज कब्जा है सारा, ठीक है जी, नजायज कब्जा है। काफ़ी देर अं पहला नोट्स भी दिता उन्होंने, 15 दिन पहला नोट्स दिता, तुम अपने पत्र से आप खाली कर लो, पर फिर भी इन्होंने खाली नहीं किया। हूँ अज इन्होंने असं कल भी वार्निंग दे के गए, अज भी सवेरे इन्होंने दसिया, पर इन्होंने कोई खाली नहीं किया। हूँ पहला आन के उन्होंने कहा कि अपने जरूरी डाकूमेंट कोई अंदर है जो कोई तुहाडा कैश है उन्होंने संभाल लिया जाए, तो पूरा कोपरेट कर रहे कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, जो नैक्सट जी कोर्ट की डेट पई है वो जो डिसीजन होगा। देश भर में होली का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। इस संबंधी जानकारी देते हुए एडीसीपी 2 आदित्य ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से होली पर्व को लेकर सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। किसी भी शरारती तत्व को हुल्लड़बाजी नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में अमन शांति से होली का त्यौहार मनाया जाएगा। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी, मैं रजिंदर कौर। होली का त्यौहार आ रहा है, तो उपर बहुत सारे जिहड़े सुरक्षा दे प्रबंध जिहड़े लोगों नूं चाहिए हुंदे आ, इस बारे असी जानकारी लैण दे लई आए हाँ जलंधर दे ADCP 2 आदित्य जी दे कोल। सब तो पहला तो सर बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा। थैंक यू मैम। होली का त्यौहार आ रहा है, हर त्यौहार के उत्ते पुलिस के वलों पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं, इस बार होली के त्यौहार के उत्ते पुलिस प्रशासन के वलों कि प्रबंध किए गए हैं? तो मैम जिदा हर साल भी जिहड़ा बाकी त्यौहार है उस करके अकॉर्डिंग ही जिहड़ा होली का त्यौहार वो काफ़ी इंपोर्टेंट हैगा। साढ़े इत्थे काफ़ी जिहड़े हैगे माइग्रेंट पॉपुलेशन भी हैगी जिहड़े काफ़ी उत्साह नाल होली का त्यौहार मनाते हैं, इस करके असी जिहड़ा शहर है शहर के जिहड़े प्रॉपर नाकेबंदी असी प्लान की है, साड़ी पेट्रोलिंग टीमां हैगी वो बाहर जिहड़ी रहेगी किसी भी इमरजेंसी नूं निपटण वास्ते। इस तो अलावा साढ़े जड़े है PCR दस्ते है वह भी बार 24 घंटे तैनात रहने। ये असी माननीय CP साहब वालों भी कोई स्पेशल जोड़े है अरेंजमेंट्स वो जरूर किए जाएंगे, तो असी जोड़े सारे अफसर साहिबान है वह भी बार रहने। होली के त्यौहार से बहुत सारे जोड़े नौजवान हुल्लड़बाजी कई वाले करते हैं क्योंकि मुँह तो रंग मलिया होंगे, कई वाले पहचान भी नहीं होंगी, उस दे लई मतलब इस बार पुलिस की करन जा रही है? इस बार असी जड़ा हैगा एक तो प्रॉपर नाकेबंदी असी प्लान कर रहे हैं, दूजा जी ट्रैफिक पुलिस है उन्हों असी काफ़ी एक्टिव करन दा जड़ा साडा नवा उपराला हैगा, ताकि असी प्रॉपर ट्रैफिक रेगुलेशन असी कर दिए, क्योंकि तुसी अक्सर देखते हो होली दे दौरान ट्रैफिक वायोलेशनस की काफ़ी घटनावां वापरदियां ने, तो असी उस चीज़ नूं देख के कि जी पुलिस जड़ा हैगा सड़कां ते भी प्रॉपर तैनात रहनगियां, सो दैट कि कड़ा जड़ा भी हुल्लड़बाजी करन दा सोचता भी हैगा वो भी उसने उन्हों भी एक डिटरेंस पैदा हो गए। इस दे नाल ही जड़ा ट्रैफिक दी तुसी क्या समस्या काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, तो कि रूट मैप भी तैयार किया गया इस बार? इस वालों जड़े साढ़े ADCP ट्रैफिक साहब है, ACP साहिबान है, जोन इंचार्जेज है, उन्हों वालों जड़ा है स्पेशल डिप्लॉयमेंट असी प्लान किया है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही असी फिर इनू कहेंगे। नाल ही जड़ा साडा कोई भी अगर ये संबंध कोई सूचना हैगी साढ़े जरा जलंधर पुलिस का जो सोशल मीडिया हैंडल हैगा वो थ्रू असी जरा है जनरल पब्लिक है उन्होंने असी जरा इनफॉर्मेशन है वो शेयर कर देवे। हर बार कोई भी त्यौहार होंगे वो अपनी अपनी महत्ता होंगी है, जिमें कि आप बाकी त्यौहारों के जिमें बसंत आ गया असी डोर वगैरह उन्होंने उत्ते भी पाबंदियां लगदियां ने, पर जिहड़ा होली का त्यौहार है ये रंग कोई कैमिकल वाला ना हो इदा दिया चीज़ों के उत्ते भी पुलिस की प्रॉपर नज़र हैगी दुकानों के कोल जाके उन्होंने तो पुछते हो?
अच्छी इसलिए भी असी जड़े है सारे एस एच ओ साहिबान सारे बह बैन गए। इस तो अलावा असी एफर्ट कर रहे हैं कि जड़ा हैगा कि कोई भी जड़े है कैमिकल है कैमिकल आए वंग है वह यूज़ ना करन योजे कोई जड़े कलर्स है जो त्वचा जड़े है अपना स्किन नुकसान पहुँचाने वाले है असी उहदे लिए भी देख रहे हैं। अगर सानू कोई इस तरीके की सूचना मिलती है तो हम जिहड़ा भी लीगल एक्शन अकॉर्डिंगली बनता है असी वो लेवांगे ताकि कि लोगों को प्रॉपर इस बारे है तुहाडे राही असी लोगों को भी इनफॉर्म करना चाहते हैं कि अगर इस दे रिगार्डिंग उन्होंने खुद कोई खबर हैगी तो फिर सानू जरूर शेयर करन सो दैट कि असी उहदे अकॉर्डिंग फिर कार्रवाई करन। फिरोजपुर में वृंदावन की होली का दृश्य श्रद्धालुओं को दिखाने के उद्देश्य से श्री जी परिवार द्वारा छावनी के रामबाग में श्री जी रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। भक्तों को भजन सुनाने के लिए वृंदावन से पारस लाडला और माधवी शर्मा विशेष रूप से पहुंचे। पंडाल में राधा कृष्ण के युगल जोड़े द्वारा होली खेलने का दरबार सभी में आकर्षण का केंद्र रहा। इस संबंधी प्रधान पीयूष बांसल ने बताया कि पूरा पंडाल होली के रंगों गुब्बारों छतरियों से सजाया गया। वहीं ब्रिज की भांति होली खेलते हुए भक्तों ने लड्डू होली गुलाल व रंग बिरंगे फूलों से होली खेली। हर भक्त रंगों में रंगा नजर आया। पूरा पंडाल राधे राधे के नाम से गूंज उठा। इस अवसर पर कमेटी अध्यक्ष हरीश गोयल सहित मनीष मित्तल दिवाकर मित्तल अनीश गुप्ता एडवोकेट अविनाश गुप्ता प्रतीक बहल कपिल कमल आतिश गगन संदीप सिंगला विपुल सहित असंख्य लोग उपस्थित रहे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। ऐसा कौन सा अपराध है? एक ब्रजमंडल जीवन को सहारा हो आपने छीन लिया, वो ब्रजमंडल तो निकाल दिया। त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसी के चलते फिरोजपुर में होली से पहले होलिका दहन और पूजन किया गया। फिरोजपुर के नन्ना मंदिर में होलिका दहन के मौके पर लोगों ने पूरे उत्साह के साथ इसका पूजन कर मनाया और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर के पुजारी भोलानाथ ने होली के त्यौहार के बारे में कहा कि यह त्यौहार रंगों और खुशियों का त्यौहार है जिसमें लोग सभी बुराइयों को भुलाकर आपस में एक दूसरे के गले मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। होली और दिवाली दो ही त्यौहार ऐसे हैं जो बड़े प्रेम से मनाए जाते हैं। होली पर हम एक दूसरे के गले मिलते हैं, वो प्रेम का प्रतीक है। सारी पुरानी दुश्मनी को बुला करके वैसी बातों को गिला शिकवा को मिटा करके हम प्रेम से गले मिलते हैं, तो प्रेम का त्यौहार है। दूसरा रंगों का त्यौहार है। सारे देशवासी बड़े प्रेम से खुशी से एक दूसरे के गुलाल लगा के और प्रेम का इजहार करते हैं। तीसरी बात भगवान की भक्ति का प्रतीक है, क्योंकि होली के दिन भगवान का भक्त जो प्रहलाद थे वो होली के गोद में बिठा करके उनको मरवाना चाहा, जलाना चाहा, लेकिन भगवान की भक्ति के कारण
होली का शेव जल करके भस्म हो गई और भक्त पैदा उस होली में उनका कुछ बिगड़ नहीं सका। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धाम श्री दुर्गियाना तीर्थ अमृतसर में एक अलौकिक नजारा देखने को मिला, जहां लोगों ने भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर और भगवान श्री गिरिराज जी के साथ एक दूसरे पर सूखे रंगों और फूलों के साथ होली खेली। इस दौरान भक्तों की ओर से होली के त्यौहार का पूरा आनंद लिया गया। इस संबंधी दुर्गियाना मंदिर कमेटी के अधिकारियों ने बताया कि होली का त्यौहार प्रेम का प्रतीक त्यौहार है, जिसके रंग आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं। तो वहीं उन्होंने सभी देशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं भी दी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ओ बड़ा बढ़िया उत्सव है, इस तरह लगा है, रंग बिरंगे रंग उड़ते हैं, कोई इतने किसी गल की गल नहीं, वृंदावन का नजारा इतने आता है। तो बहुत बढ़िया होली मनाई गई दुर्गियाना मंदिर ने। हाँ जी, हाँ इतने आकर लोग होली मना, रंग खेड, लाल गुलाल गुलाबी इले बहुत आना। अज होली की लाखों वासियां लख लख बधाई देना, मैं प्रभु भगवान के पासा करदा कि होली का त्यौहार सारे ने खुशियां भरे आवे, रंग भरे लिया आवे, सारे परिवार खुश रहन, सारे खुशियां मनाते रहन। जय श्री राम, जय श्री राम। आज होली का त्यौहार है और आपके माध्यम से सभी धर्म प्रेमी जनता को, पूरे भारतवासियों को श्री दुर्गियाना कमेटी की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं। ये होली का जो पर्व है, ये हमारे देश में, हमारे समाज में, ये इसका धार्मिक महत्व भी है, पौराणिक महत्व भी है, जैविक महत्व भी है, वैज्ञानिक महत्व भी है। और ये जो होली का पर्व है, आज के दिन जो हम रंग डालते हैं, सब ऑर्गेनिक रंग डालते हैं, फूलों से बना हुआ जो टेसू के फूल हैं, वो जो चमड़ी है, जो सर्दी की ऋतु से अब हम गर्मी की तरफ आ रहे हैं, जो हमारी चमड़ी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ऐसा विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। हमारे जो ऋषि मुनियों ने ये जो पर्व बनाए हैं, उसके पीछे में भले हमको पता ना हो, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य जुड़ा है। धार्मिक महत्व इसलिए है क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण ने, हमारे भगवान रामचंद्र जी ने, गीत भी आता है, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, और वृंदावन की तो होली विश्व प्रसिद्ध है। और इस दिन लाखों की संख्या में लोग वृंदावन भी जाते हैं, ब्रज भूमि में, अयोध्या जी में जाते हैं, और सारे देश में होली का पर्व मनाया जाता है। यहाँ भी दुर्गियाना मंदिर में, और कई सालों से, सैकड़ों सालों से ये होली का पर्व जो है वृंदावन की तरह, आप देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में भक्त जो है, जो बच्चे हैं, नर नारी बच्चे सब, वृद्ध सब भी जो है ठाकुर जी के संग, क्योंकि ये ठाकुर जी आज के दिन बाहर आते हैं। श्री सत्यनारायण मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन में होली का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य बनवारी प्रसाद शास्त्री ने होली पर्व की महत्ता के बारे में बताया। इस दौरान भक्तों की ओर से फूलों की होली खेली गई, जिसमें इलाके के सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस मौके पर मंदिर की स्त्री सत्संग सभा की सदस्य सुमन पाठक, निर्मल शर्मा, किरण मिन्हास, रानी सुशीला, श्रद्धा बिमला, देविका राधा, राधा, किरण, मंजू, शमा, पूनम, मीना, रुचिका, सुदेश, त्रिशला, पूनम अहुजा, मधु, सपना, श्रुति, मोनिका, कामिनी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। करुणामयी, कृपामयी और दयामयी
तरह से ये होली महोत्सव का जो त्यौहार है आज हम सबने बड़े धूमधाम से सत्यनारायण मंदिर में मनाया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रंगारंग फूलों की होली के साथ में ठाकुर जी के चरणों में बैठकर के सभी प्रवक्तों ने होली मनाई। प्रभु के चरणों में प्रार्थना की सभी के जीवन में ठाकुर जी के रंग सभी के आंतरिक और शारीरिक रूप में सभी को ठाकुर जी के रंग खूब रंगों से सरोवर करें ताकि सभी को भक्ति का रंग चढ़े, सभी के ऊपर ठाकुर जी की बड़ी अनुपमता बनी रहे। करता हूँ हलचल चैनल का जो हमारी सभी छोटी बड़ी गतिविधियां पूरे सनातन परिवार तक पूरे देश में पूरे विदेशों में और सभी प्रभक्तों तक पहुंचाते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं इस हलचल चैनल का जिसके द्वारा हमारी सभी गतिविधियां सभी प्रभक्तों तक पहुंच जाती है। और श्री शीतल जी जो हमारे उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ के संचालक भी हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो सनातन के प्रति उनका ये जो बड़ा उन्होंने कार्य उठाया हुआ है उसको संपन्न करने में बराबर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जालंधर छावनी के दीपनगर के अधीन अति लहम्बर कॉलोनी में इलाका निवासियों की ओर से होली का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर समाज सेवक अजय पीवल विशेष रूप से शामिल हुए जिनका स्वागत कॉलोनी निवासियों द्वारा किया गया। इस मौके पर धार्मिक रीति रिवाजों के साथ होलिका दहन किया गया। इस अवसर पर सुदेश कुमार भीमालाल बंटी लव जतिन कुश अंकित वरिंद्र सुरेश सहित अन्य इलाका निवासी भी मौजूद रही। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। बसंत एवन्यू तो बोल रहे हाँ, असी अपने गली दिया लाइटां लई बहुत परेशान सी। दीपनगर ते रहमानपुर असी दोनों जगह जा के मदद लई गुहार लगाई पर किसी ने साड़ी नहीं सुनी। अज असी अजय भाई साहब को जाके फोन किया तो उस वक्त आ के साड़ी गली दिया सारिया लाइटां लगवा के चले गए। असी उन्हों दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 29 मार्च को निकाली जा रही विशाल श्री राम नवमी शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने हेतु संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। संपर्क अभियान की टीम में शामिल रमन शर्मा अश्विनी शर्मा सौरभ शर्मा और मुनीश शर्मा ने श्री बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर जालंधर के श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत गंगादास महंत केशवदास महंत रामदास विश्वास दास अरविंद दास सितेंद्र कुमार श्री शिवपुरी मंदिर बस्ती गुजर जालंधर के 1008 महामंडलेश्वर महंत गोवर्धन दास श्री हरि कृष्ण मंदिर मंजीत नगर बस्ती गुजर के महंत बलिराम दास श्री मुक्तेश्वर मंदिर बस्ती गुजर के पंडित मनोज तिवारी पंडित धनीराम बाबा रमा शंकर श्री भोले बाबा मंदिर बस्ती नौ के अमनदीप कुंद्रा अभिनंदन कुंद्रा पंडित सुग्रीव पंडित प्रमोद तिवारी विजय कुमार पंकज राजकुमार राजेंद्र सिंह भाटिया उपकार रामलीला क्लब बस्ती गुजा के हरि किशन बाली एडवोकेट संजीव बाली सुशील कुमार श्री शिव दुर्गा मंदिर बस्ती गुजा के मुनीश धीर प्रदीप सरीन सत्यम पांडे प्राचीन ढंडार मंदिर बस्ती गुजा के पंडित अरुण दास महंत पुरुषोत्तम दास हितेंद्र राकेश कुमार से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को यह विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। बड़ा ही खुशी की बात है कि आज श्री शक्तिपीठ देवी तालाब प्रांगण से सेवादार सभी आए हुए हैं। कैलेंडर
देने के लिए और रामनवमी के 29 तारीख यात्रा के लिए निमंत्रण देने के लिए आए हैं। बड़ी ही खुशी की बात है, सारे पंजाब निवासी और पूरे भारत निवासियों को बहुत बहुत राम उत्सव की बधाई, क्योंकि राम तो सदा रहने वाले हैं और उनकी जस कीर्ति सदा ही रहती है, पर उसमें शामिल होने से हमारी जस कीर्ति भी बद से बद हो जाती है। इसलिए सबको ये निमंत्रण है कि सभी शोभा यात्रा में शामिल हो। श्री देवी तालाब प्रांगण से यात्रा निकलेगी और वहीं आकर के फिर विराम दिया जाएगा पूरे शहर की परिक्रमा करके। तो इतना ही कहता हुआ मैं सबको, सारे मंदिर वालों को और सभी देवी तालाब के सभी प्रधान सेक्रेटरी सभी पदाधिकारी गण सेवादार को मैं कह रहा हूँ कि सब इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेके सभी मंदिरों के प्रधान सेक्रेटरी और सब शोभा यात्रा लेकर के पहुँचें और इस उत्सव में शामिल होकर के अपने जीवन का लाभ उठाएं। कि हर साल की तरह इस साल भी श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण से संत समाज की अध्यक्षता में और प्रधान श्री शीतल बीन जी की देख रेख में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का शोभा यात्रा निकल रही है 29 मार्च को, जिसमें सभी भारत के प्रमुख संत भी आ रहे हैं। पंजाब के संत तो आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो है सभी हिंदू जनमानस के सभी भक्त वृंद यहाँ पर जो है उस दिन आएंगे। तो आप सभी नगरवासी, जलंधरवासी, पंजाबवासी इस शोभा यात्रा में घूमा कर आएँ और अपने जीवन को सफल बनाएं। दूसरी बात यह है कि बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर से हर साल जो है बहुत ही तैयारी करके हम लोग यहाँ से झांकी लेकर जाते हैं संत समाज के साथ। संत समाज भी पूरा यहाँ से इकट्ठा होकर जो है मंदिर देवीतला पहुँचता है और वहाँ से जो है हम सभी यात्रा के रूप में जो पूरा शहर में भ्रमण करते हैं। तो इस बार भी खूब जो है धूमधाम से यहाँ से झांकी लेकर जाएंगे संत समाज के साथ में। तो आप सभी इस शोभा यात्रा में शामिल हों और अपने जीवन को सफल बनाएं। 29 मार्च को श्री देवीतला मंदिर तो ये रामनवमी की शोभा यात्रा जी है बड़ी हम आके निकल रही है। सब बस्ती निवासियों जलंधर निवासियों अपील की जाती है 29 तरीक न हम आके बच्चों समेत परिवार समेत देवीतला मंदिर च पहुँचो तो शोभा यात्रा बधाओ, चार चंद लाओ। असी भी शिवपुरी वालों अपने स्टाफ वालों इस शोभा यात्रा के जरूर हाजिरी दवावे। बोल सियापति राम चंद्र जी महाराज की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुदेव, मंगलम पुण्य काक्ष, मंगला त्रिहरि। बड़ा ही खुशी का समय है जो कि नवरात्रि के समय में बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। श्री स्वामी लोचनानंद आश्रम मुक्तेश्वर मंदिर बस्ती गुजर से पंडित मनोज शास्त्री, मैं सभी नगरवासियों से अनुरोध करता हूँ कि हर साल की भांति इस साल रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री देवी तालाब मंदिर से 29 अप्रैल को शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हर साल की भांति भव्य शोभा यात्रा के आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी हम लोग मिल करके कदम से कदम मिला करके हम लोग साथ चलेंगे। उस दिन इस जलंधर नगरी को अयोध्या नगरी जैसा शोभा हम लोग देंगे तो अति उत्तम रहेगा और हमारे जीवन के लिए फलदायक रहेगा। इसलिए सभी से अनुरोध है, हम भी साथ रहेंगे, हमारा भी शोभा यात्रा में योगदान रहेगा, साथ चलेंगे और मिल करके हम लोग इस शोभा यात्रा को अब रूप दे करके बनाएंगे। भोले बाबा मंदिर बस्ती नौ सभी जलंधर वासियों से हम आज प्रार्थना करता हूँ श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के प्रगट उपलक्ष्य के
श्री देवी तलाब मंदिर शक्तिपीठ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा 29 मार्च दिन बुधवार को निकाली जा रही, जिसमें से सभी से यही विनती की सब बढ़ चढ़ भाग रहे और अपना जीवन कीर्तन करें। देवी तलाब प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो शोभा यात्रा रामनवमी के उपलक्ष्य में महामाई के भव्य मंदिर से निकलेगी, जिसकी अध्यक्षता रामनवमी मंदिर कमेटी करेगी, शीतल विज जी करेंगे, मैं उनको आश्वासन दिलाता हूँ, पूरी कमेटी को आश्वासन दिलाता हूँ कि उपकार रामलीला क्लब बस्ती गुजा ढंडार मंदिर का अध्यक्ष होने के नाते पूरी की पूरी कमेटी रामनवमी शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। 29 मार्च में श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा श्री देवी तलाब मंदिर शक्तिपीठ से निकल रही है, उच्च बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और हिंदू धर्म में जुड़ जाना चाहिए। बोल जय श्री राम। रामनवमी की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से 29 मार्च को निकाली जाएगी, जिसमें हमारे करोड़ों करोड़ सनातनियों के आराध्य प्रभु श्री राम का प्रकट उत्सव जन्म महामहोत्सव बड़े ही धूमधाम से सिद्धपीठ देवी तालाब मंदिर में मनाया जाता है। हम सभी भक्तों से करबद्ध निवेदन करते हैं कि सभी भक्तजन भारी से भारी संख्या में पहुंच करके प्रभु श्री राम के जन्म महामहोत्सव में सम्मिलित होकर के और ठाकुर जी का माता रानी का दर्शन करके प्रसाद ग्रहण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बालाजी परिवार की तरफ से 10वां विशाल बालाजी का जागरण होशियारपुर में 18 मार्च को बड़ी ही धूमधाम से होशियारपुर के दशहरा ग्राउंड में किया जा रहा है, जिसमें विश्व विख्यात गायक कन्हैया मित्तल बालाजी के चरणों में हाजिरी लगवाकर गुणगान करेंगे और भक्तों को अपने भजनों से निहाल करेंगे। इस मौके पर विशेष जानकारी देते हुए बालाजी परिवार के प्रधान अरुण खोसला ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बालाजी का 10वां विशाल जागरण बड़ी धूमधाम से होशियारपुर में करवाया जा रहा है। इससे पहले दोपहर को बालाजी की शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई दशहरा ग्राउंड में संपन्न होगी। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए शहर में लंगर लगाए जाएंगे और विशेष तौर पर बालाजी के स्वागत के लिए फूलों की वर्षा हवाई जहाज से की जाएगी। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। पहले तो सारे नु जय श्री राम, जय श्री बालाजी। होशियारपुर दे विच साडी बालाजी सेवा परिवार वालों 10वां अलौकिक जागरण करवाया जा रहा है। ये जागरण ने एक होशियारपुर वाले ने 18 मार्च का एक उत्सव है। 2 बजे शोभा यात्रा शीतला मंदिर दरबार तो स्टार्ट होकर जागरण स्थल पर आएगी और ये सारा प्रिंट मीडिया और जिन्हें भी साढ़े होर प्रेस के सज्जन उन्होंने साडा सारा बहुत साथ दिता। डीसी मैम ने सानू पूरी सपोर्ट के नाल नाल एश्योरेंस दवाई है कि सारे जिहड़े कानून के प्रबंध आ सारे वो ठीक होंगे। बाकी साडी बालाजी परिवार संस्था वालों सारे होशियारपुर वासियों नूं नहीं पंजाब वासियों नूं निवेदन है कि वह बढ़ चढ़ के इस जागरण च आन और भगवान का गुणगान सुनन, जिदे विच कन्हैया मित्तल जी और राकेश राधे जी महाराज का गुणगान करेंगे और लंगर अटूट बरसेगा। 56 भोग होर जो भी शोभा यात्रा दे विच इस बार असी कुछ एक झाकियाँ लैके आ रहे हैं, कुछ झाकियाँ दिल्ली तो हैं, कुछ झाकियाँ सूरत तो हैं, कुछ करनाल तो हैं। असी अपने वालों पूरी कोशिश की है कि होशियारपुर वालों नूं असी महाराज का गुणगान बहुत वधिया तरीके नाल सुनवाइए और ये सारे असी सहयोग की उम्मीद करते हैं कि सारे होशियारपुर वासी साडा सहयोग देंगे और जिन्या भी धार्मिक ते समाजिक संस्थावां इन्होंने भी साडा बहुत साथ दिता। असी सारिआं दा तहे दिल तो धन्नवादी हाँ ते उम्मीद करते हैं कि 18 मार्च नूं होशियारपुर वाले इस उत्सव दे विच आ के भगवान दे नाम नाल सरोबार होंगे। जालंधर छावनी के दीपनगर के अधीन अति लहम्बर कॉलोनी में इलाका निवासियों की ओर से होली का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर समाज सेवक अजय पीवल विशेष रूप से शामिल हुए, जिनका स्वागत कॉलोनी निवासियों द्वारा किया गया। इस मौके पर धार्मिक रीति रिवाजों के साथ होलिका दहन किया गया। इस अवसर पर सुदेश कुमार, भीमालाल, बंटी, लव, जतिन, कुश, अंकित, वरिंद्र, सुरेश सहित अन्य इलाका निवासी भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। आज होली उत्सव मनाया गया, होली ध्यान किया गया लंबड़ कॉलोनी दीपनगर से। आए हुए सारे गणमान व्यक्तियों का मैं दिल की गहराइयां तो धन्यवाद करना है, तो मैनू इन्ना इज्जत मान बख्शन से पूरी दीपनगर वासियों का धन्यवाद करना जी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से।
दिल्ली संगरूर रोड पर ढाबे पर खड़े तेल से भरे दो टैंकरों को लगी आग, दोनों जलकर हुए राख। चंडियाला गुरु पुलिस ने मोबाइल टावर्स की बैटरियां चोरी करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को किया काबू। 20 बड़ी बैटरियां, एक कार, कटर मशीन, चाबियां व 3000 हथियार किए बरामद। प्रसिद्ध कॉमेडी कलाकार और अदाकार कपिल शर्मा अपनी टीम सहित पहुंचे अमृतसर, सचखंड श्री दरबार साहिब में हुए नतमस्तक। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।